All right, let's talk about Apple today. What are the leaks and the rumors about Apple, and what are we going to see in the upcoming event from Apple on the March 23rd? और हमें आगे और क्या-क्या नया देखने मिलेगा from Apple this year and in future. So let's get started. All right, guys, let's talk about what we may see in upcoming event from Apple this March in 2 weeks. क्या-क्या products हमको देखने मिल सकते हैं? सो मैं पहले बात करना चाहूँगा एयर टैग्स के बारे में. हम लोग 2 साल से एयर टैग्स के बारे में सुन रहे हैं. प्रीटी मच कंफर्म था कि लास्ट ईयर नवंबर में विद आईफोन्स हमको एयर टैग्स देखने को मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ. दिस टाइम बाय जॉन प्रॉसर और बाकी सारे लीकर्स के वहाँ से कंफर्म है कि 90% ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म है कि हमको एयर टैग्स देखने को मिलेंगे. सैमसंग ने भी अपने टैग्स, स्मार्ट टैग्स इस साल विद S21 लॉन्च कर दिए. और उसके पहले भी हमारे पास ट्रैकर्स लाइक ट्रायल थे, उसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गाइस चेक इट आउट. और ये एयर टैग्स बेसिकली U1 चिप के ऊपर काम करेंगे. दे आर गोना बी अ रियली गुड ट्रैकर्स फॉर एप्पल यूजर्स, बेसिकली फॉर आईफोन यूजर्स. और दिस इज गोना बी वन ऑफ द थिंग वी विल आई थिंक डेफिनेटली सी इट. आफ्टर दैट आईपैड प्रो, न्यू आईपैड प्रो विद मिनी LED डिस्प्ले, जिसके ऊपर भी एप्पल काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसके भी रूमर्स ऑलमोस्ट पक्के हैं. ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि इस मार्च इवेंट में हमको न्यू iPad Pro with mini LED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. दैट्स अ न्यू काइंड ऑफ LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो एप्पल कब से काम कर रहा है, और उसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स बहुत ही कम होंगे. बेसिकली LCD का अपग्रेडेड वर्जन है, OLED नहीं है, और फिर भी विथ वेरी गुड रिजल्ट्स. ये एक और चीज़ हो सकती है जो हमको इस मार्च के इवेंट में देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही हमको न्यू रीडिजाइन iPad 9 जनरेशन और न्यू iPad मिनी देखने को मिल सकते हैं. इसके बारे में ऑलमोस्ट 80-90% रूमर्स पक्के हैं कि हमको ये दो प्रोडक्ट भी मार्च इवेंट में देखने को मिल सकते हैं. इसके साथ ही हमको देखने को मिल सकता है Apple TV या फिर Apple TV Pro. ये बेसिकली A12X या फिर A12Z चिप पे काम कर सकता है, और ये इसके अंदर गेमिंग फीचर्स होंगे, ये गेमिंग फोकस्ड होगा, जैसे कि Apple Arcade जैसे फीचर्स के अंदर दिए गए होंगे. और इसके साथ ही हमको नया न्यू समथिंग न्यू फ्रॉम Apple, Apple Joystick, गेमिंग Joystick देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही हमको न्यू MagSafe प्रोडक्ट, जैसे कि MagSafe बैटरी प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं. आपको पता ही होगा कि iPhone 12 सीरीज़ के अंदर MagSafe है, ये वैसे ही काम करेगा, स्लैप ऑन द बैक ऑफ द फ़ोन और फ़ोन को चार्ज करेगा. और फिर अगर आगे बात करें तो हमको iMac या फिर iMac Pros देखने को मिल सकते हैं इनकमिंग दिस ईयर, ऑब्वियसली पावर्ड बाय M1. आपको पता ही है कितना पावरफुल है, उसने कैसे इंटेल को पछाड़ के रख दिया है इन बेंचमार्क, इन Geekbench स्कोर सभी जगह पे, तो वो भी हमको इस साल देखने को मिल सकते हैं. और अगर और भी आगे की बात करें तो हमको AR हेडसेट फ्रॉम Apple वो भी देखने को मिल सकते हैं. AR हेडसेट फ्रॉम Apple, दैट्स गोना बी प्रीटी एक्साइटिंग. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और अगर और भी आगे की बात करें तो हमको कॉन्टैक्ट लेंसेज फ्रॉम Apple भी देखने को मिल सकते हैं, और उसके बीच में हमको शायद AR पावर्ड Apple ग्लासेस भी देखने को मिल सकते हैं. Alright guys, let's talk about the facts. क्या आपको पता है कि OnePlus का इवेंट भी 23 मार्च को है और Apple का इवेंट भी 23 मार्च को है? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, OnePlus और Apple के इवेंट एक ही दिन पे है. ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है जब OnePlus का इवेंट और Apple का इवेंट एक ही दिन पे थे, और OnePlus को अपनी डेट्स को मूव करना पड़ा, उनको कोई और दिन पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि अगर Apple के साथ ही वो इवेंट रखेंगे तो पहले तो हाफ द पब्लिक तो वहाँ पे जाएगी नहीं, वो Apple के इवेंट को ही देखने जाएगी. अगर वो वर्चुअल भी रखते हैं तो मोर देन हाफ पब्लिक तो वो Apple के इवेंट को ही व्यू करने वाली है, उनको ही स्ट्रीम करने वाली है. तो उन्होंने वो डेट्स को मूव कर दिया. इस बार अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. देखते हैं कि OnePlus क्या उसकी डेट्स को मूव करता है, उनके इवेंट को चेंज करता है, या फिर दोनों इवेंट एक ही दिन पे होते हैं. क्योंकि अगर Apple ने उसकी डेट्स दी है तो वो तो उनके इवेंट को मूव करने नहीं वाले. और अगर और कोई फैक्ट्स की बात करूँ तो क्या आपको पता है कि iPhone 12 Pro या फिर Pro Max में ऑलरेडी 120 Hz का रिफ्रेश रेट अवेलेबल है, उसका हार्डवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर, पर वो डिसेबल किया गया है राइट नाउ. क्या हुआ था कि Apple को चूज़ करना था कि वो 5G को चूज़ करे या फिर 120 Hz को, और उन्होंने चूज़ किया 5G को, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बैटरी. बैटरी इतनी छोटी है कि वो दोनों को सपोर्ट नहीं कर सकता. अभी भी अगर सॉफ्टवेयर की मदद से वो चीज़ को अनेबल किया जा सकता है, पर वो एप्पल नहीं करने वाला, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बैटरी. और आपको क्या पता है कि iPhone 12 सीरीज़
रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है, उसके अंदर वो भी हार्डवेयर है, वो भी डिसेबल्ड है ओनली बिकॉज ऑफ द बैटरी। Alright guys, this is all for today's video. Guys, please do like, comment and share this video. Do subscribe this channel and I will see you around.